नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। अंतिम क्षणों में चूके चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क टूटा। वैज्ञानिकों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भावुक हुए इसरो के चीफ के सिवन। चंद्रयान 2 के मिशन के बाद हर ओर से मिल रहे हैं बधाई संदेश। कश्मीर मसले पर भारत का सबसे बड़ा साथी बना रूस। शहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज, सेना को लेकर विवादित ट्वीट का आरोप। पाकिस्तान ने पुंज में तोड़ा सीज फायर, गांव में दागे मोर्टार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादी हमला, एक बच्ची सहित 4 जख्मी। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आज वित्त मंत्रालय की अहम बैठक। वाहन कपड़ा क्षेत्र को मिलेगी जीएसटी से राहत, 20 सितंबर को होगा ऐलान। ममता के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश खुशियां मना रहा है और वह रो रही हैं। हरियाणा में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी सरकार, बोली निर्मला सीतारमण। प्रो कबड्डी लीग में तमिल थलाइवास के कोच ने दिया इस्तीफा। हॉकी इंडिया कार्ड होगा तभी खेल पाएंगे खिलाड़ी। चंद्रयान 2 पर ऋषभ पंत का ट्वीट, कहा असफलता जैसी कोई चीज नहीं। पुजारा और अश्विन के बीच हुआ जबरदस्त बैडमिंटन मैच, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दिनेश कार्तिक को बीसीसीआई ने दिया कारण बताओ नोटिस। लसित मलिंगा ने टी20 इंटरनेशनल मैच में रचा इतिहास। अब्दुल कादिर के निधन पर क्रिकेट जगत ने जताया शोक, सचिन तेंदुलकर ने भी किया ट्वीट। डोरियन तूफान में मरने वालों की संख्या हुई 40, बचाव कार्य जारी। पाकिस्तान का दौरा करेंगे अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधि मंडल, सैन्य अधिकारियों से होगी मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया एलओसी का दौरा। महेश भट्ट के निधन की खबरों पर पूजा भट्ट ने दिया करारा जवाब। नच बलिए 9 की कंटेस्टेंट मधुनिमा तुली और विशाल आदित्य के रवैये से परेशान होकर कोरियोग्राफर ने छोड़ा शो। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।